तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड नंबर 389। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि एक ही सागा चल रहा है और स्टोरी आपको तभी समझ आएगी। तो एपिसोड का नाम है अनलीश द सनी सुपर सीक्रेट वेपन द गाउन कैनन। तो जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, लूफी ने दुआल के फेस पर किक मार के उसका मास्क गिरा दिया था। तो अभी उसोप कहता है, ये चेहरा क्या जो असली है? ओह, तो ऐसा चेहरा सच्ची में है जो बिल्कुल सांची के वांटेड पोस्टर जैसा दिखता है। ब्लैकफुट सांची, ये सारी तुम्हारी गलती है। तभी सांची शिप से छलांग लगाकर आइलैंड पर आता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा मैं कितना डर गया था जब लोग एकदम से मुझे मरा हुआ चाहते थे। क्यों क्यों एकदम से पुलिस मेरे पीछे पीछा करने लगी? क्यों ये गुंडे मुझे मारने पर तुले हुए थे? अब सांची उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। मैंने किया ही क्या था? संजी भागकर दुवाल की तरफ आता है। मुझे मेरी जिंदगी वापस दो। तो संजी दुवाल के फेस पर किक मारता है। चुप हो जा, तेरे से ज्यादा उन पोस्टर्स को देख के मुझे गुस्सा चढ़ता है। मैं समझता हूँ उस बेचारे दुवाल को कैसा फील हो रहा होगा। हाँ, लेकिन संजी खुद उन पोस्टर से काफी ज्यादा परेशान था। हाँ, ये कौन है? क्या तुम अब सारी जिंदगी परेशान रहोगे? चुप करो, सिर्फ मेरे पोस्टर हाथ से क्यों बनाए हैं? तुम इसी के लायक हो। वो हंसेंगे, दुनिया की सभी लड़कियां हंसेंगी मुझ पर। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी हो सकता है। सांची पक्का तारों की परछाई के नीचे पैदा हुआ होगा। किसी दिन यकीनन उसकी किसी अनोखे तरीके से मौत होगी। मुझे उस बेचारे दुआल पर तरस आ रहा है। अगर तुम उस पोस्टर जैसा नहीं दिखना चाहते तो अपने बाल काट लो, दाढ़ी बदा लो, मेरा खून पीना जरूरी है क्या? ये पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। अब दुवाल अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे हम सिर्फ एक आम गुंडे हुआ करते थे, हर रोज बस मजे के लिए लोगों को तंग किया करते थे। मेरी जिंदगी काफी खुशहाल थी, लेकिन फिर एकदम से मेरी जिंदगी ऊपर कहर बरसा। लोग मेरे से डरने लगे, दूर भागने लगे। उस वक्त मुझे लगा मैं अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन फिर मेरे सिर पर एकदम से 7,70,000 का इनाम रख दिया। नेवी मेरे पीछे पड़ गई कि अब तुम्हें समझ आया सांची? फिर मैंने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया सो कोई ये चेहरा दोबारा ना देख पाए। मेरी जिंदगी बर्बाद हुई सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं नरक तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम ये नहीं चाहते तो मार दो मुझे अभी के अभी। ये कहकर दुवाल सांची पर हमला करता है। अपनी पोजीशंस पर आओ। तभी तीन फिश राइडर्स आते हैं हमला करने के लिए। सांची छलांग लगाकर एक को तो ढेर कर देता है, लेकिन क्योंकि सांची अब हवा में होता है जिस वजह से बाकी के दो फिश राइडर्स उस पर आयरन के नेट जाले से फंसा कर उसको समुद्र में ले जाते हैं। मार दो इसे। तभी हाचिन उसके पीछे जाने लगता है और दुवाल उसे रोक कर बताता है, तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। फ्लाइंग फिश राइडर समुद्र में सबसे तेज तैरने वाले प्राणियों में से एक होते हैं और उनके राइडर्स के पास ऑक्सीजन टैंकर्स हैं। तुम्हारा दोस्त ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मर जाएगा। अगली बार जब संजीत देखेगा तो वो सिर्फ उसका शरीर होगा, क्योंकि आत्मा तो उसकी भगवान तक पहुंच ही चुकी होगी। इन सब के बीच कैमी समुद्र में छलांग लगाती है। ओए कावे, तुम कुछ भूल रहे हो। भले ही फ्लाइंग फिश तैरने में तेज होते हैं, लेकिन उनसे भी तेज एक क्रीचर होता है और वो है मरमेड्स, जिनकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें बचाऊंगी सांची। अभी समुंदर में से फिश राइडर्स का एक झुंड रस्सियों से एक एनविल लेकर बाहर आता है, जिससे वो पायरेट्स की शिप को डुबाना चाहते हैं। ये सही नहीं, हम एक बार में डूब जाएंगे। उसो मेरे साथ आओ। तभी फ्रेंक की शिप का स्टेयरिंग संभालता है। हम एमरजेंसी सीक्रेट वेपन का यूज करेंगे। हाँ, सीक्रेट वेपन? फिश राइडर्स तभी एनविल को छोड़ देते हैं। वो आ रहा है। भरोसा रखो मेरी जान। अब शिप के स्माइली फेस का मुकुट घूमने लगता है। फ्रेंकी जल्दी, एमरजेंसी एस्केप सीक्रेट वेपन चिकन वॉच। और ऑन द स्पॉट मुकुट को फुल स्पीड में घुमाकर शिप को पीछे की तरफ धक्का मिलता है और वह बच जाते हैं। उसे शिप के अंदर जाओ। फ्रेंकी निशे सब भी बनाया है, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तभी शिप के स्माइली फेस से कैनन बाहर आती है। शिप का इंजन शुरू होता है। ओए, अब मैं क्या करूं? ज्यादा से ज्यादा फिश राइडर्स को रडार में लेके आओ। बटन के साथ टारगेट लॉक करो और फिर लीवर खींच देना। तो उसे टारगेट लॉक करके फायर करता है। फायर!
अब आइलैंड पर होती है तबाही, हर जगह धमाके, घर टूट रहे हैं, लोग उड़ रहे हैं। देखा सनी क्या क्या कर सकती है, कमाल लाजवाब। अब समुद्र का सीन आता है जहाँ फिश राइडर्स आपस में फंसे हुए होते हैं। हम बस पहुँचने ही वाले हैं संजी, हौसला रखो। फिर वो दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। ओह शुक्र है, क्या वो ठीक है? कुछ ठीक नहीं लग रहा, संजी का काफ़ी खून निकल चुका है। हैं क्या, मुझे लगा मैंने उसे बचा लिया, लेकिन तभी इसकी नाक से काफ़ी खून बहना शुरू हो गया। अब सभी के दिमाग में एक बात आती है, आप भी सोचिए और बताइए मुझे। भूल जाओ, मरने दो उसे वहीं पे। हाँ मरने दो, वो वैसे भी काफ़ी खुश लग रहा है। फिर सांझी उठता है। हाँ क्या मैं स्वर्ग में हूँ? परियाँ कहाँ हैं? लो मैं तो उसी की बाहों में हूँ। तुमने अपने काफ़ी आदमी खो दिए हैं। कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हें अपनी मोटो बालों की शक्ति दिखाता हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ इसी की वजह से। तो ठीक है, मैं रुकूंगा तुम्हें। मोटो बालो हमला! फाइट शुरू होती है। तुमसे झगड़ना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। लूफी उस बैल को अपनी आंखों से हिटला देता है। उस बैल को पता नहीं क्या होता है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। तुम नहीं बचोगे स्ट्रॉ हैट्स। तो अभी पीछे से सांझी की आवाज़ आती है, रुक जाओ लूफी, ये किस्सा मैं खुद ख़त्म करना चाहूँगा। ओए सांझी, जब तक तू जिंदा है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस बहुत बोल लिया तूने, फिर तो तुम्हें मरना होगा। दुआल सांझी पर हमला करता है, लेकिन सांझी बच जाता है। अब सांझी की बारी आती है, जो उसके चेहरे पर लगातार किक्स के साथ हमला करे ही जा रहा है। प्लीज अब और नहीं। ये सुनते ही सांझी और जोर और स्पीड से किक्स मारने लगता है, और अपनी लास्ट किक से सांझी दुआल को दूर फेंक कर बेहोश कर देता है। इस दर्द को सारी जिंदगी भर याद रखोगे तुम। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड पूरी तैयारी कर रखी है, वो आएगा कल, या तो कल रात को आ जाएगा या परसों सुबह तक आ जाएगा, लेकिन इसी 24 घंटे के बीच बीच आएगा, 25-26 घंटे के बीच बीच आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कोई आपको ओपिनियन देना है कि डबिंग एक्सप्लेनेशन के तरीके में कुछ चेंज करना है, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। टिप होती है। थैंक यू वेरी